सायना प्रजापिता ब्रह्म कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय जलालपुर सेवा केंद्र द्वारा आयोजित अलविदा तनाव शिविर नो त्रीजो दिवस स्वयं ने समझे आत्मज्ञान तरीके मनावामां आव्यो हतो। नवसारीना प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जलालपुर सेवा केंद्र द्वारा आयोजित अलविदा तनाव शिविर नो त्रीजा दिवसे आदरणीय राजयोगिनी पूनमबेन द्वारा समझावामां आव्यु के शरीर ने चलावा वाली शक्ति पावर तेमज करंट आत्मा छे। आत्मा नो स्वरूप पॉइंट ऑफ लाइट छे। शरीर एक गाड़ी छे ने आ शरीर रूपी गाड़ी ने चलावा वाली शक्ति आत्मा छे। शरीर विनाशी छे જ્યારે આત્મા અજર અમર અવિનાશી જ્યોતિ બિંદુ છે। જીવનમાં સુખ દુઃખ શરદી ગરમી માન અપમાન આ બધું અનુભવ કરવા વાળી ચૈતન્ય શક્તિ આત્મા છે। આત્મા એ મનનો માલિક રાજા છે। તેમજ આત્મજ્ઞાનથી થતા ફાયદા અંગે જણાવતા કહ્યું હતું કે બધા નકારાત્મક વિચારો દૂર થઈ જશે તેમજ મન શાંત થઈ જશે। એકાગ્રતા વધશે અને એકાગ્રતા વધશે તો નિર્ણય શક્તિ પણ વધશે, રોગ પ્રતિકારક શક્તિ પણ વધશે। તેમજ કહ્યું હતું કે બધી આત્માનો રોલ સ્વભાવ પાઠ અલગ અલગ હોય છે। શિબિરમાં ઉપસ્થિત બધા ભાઈઓ બહેનોને આત્માનુભૂતિને અનુરૂપ મેડિટેશન પણ કરાવ્યું હતું। પોઝિટિવ સોચ હે જો કમાન્ડ મે ગો આત્મા મન કી માલિક બન જાય વો ભાગ જાઓ જો એસા ચાહતે હમ સીધે આત્મજ્ઞાન સમજ લીધી। अभी तक क्या हुआ, हमने सोचा कि मन ही ईश्वर मन ही देवता मन से बड़ा ना कुल जा भाग रहा है भागने दो। आज इस आत्म ज्ञान को समझ लीजिए कि मैं आत्मा अपने मन की मालिक राजा मास्टर हूँ। अब अगर कोई प्रेसिडेंट है प्राइम मिनिस्टर है वो सीट पर है तो जो ऑर्डर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर देंगे वो भारत की जनता मानेगी या नहीं? बोलिए, मानना ही पड़ेगा। वी आर बाउंड, हम बाध्य हैं, क्योंकि वो किस सीट पर है, प्रेसिडेंट या प्राइम। विनाश शरीर का होता है, अजर हो उसी क्षण फियर ऑफ डेथ मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है कि मैं अविनाशी हूँ। एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी ऊर्जा जिसको शस्त्र काट नहीं सकता, खुद से बात करें, अग्नि जला नहीं सकती। शरीर एक कॉस्ट्यूम है। फॉर एग्जाम्पल, सारे दिन में हम ड्रेस दो तीन तो बदल ही लेते हैं, वर्किंग ऑफिस में जाएंगे तो अलग है, नाइट में अलग है, मॉर्निंग अलग, मिनिमम दो तीन ड्रेस, ठीक है। तो शरीर एक ड्रेस है, आत्मा ने पहनी है और वो ड्रेस बदल रहे हैं हम, हर बर्थ में ड्रेस बदल रही है, कभी मेल की पहन रहे हैं कभी फीमेल, एक कॉस्ट्यूम है। ड्रेस बदली, आत्मा तो सेम है, स्टार है, जैसी ड्रेस बदली तो फैमिली बदली, रिश्ते बदले, नाम बदला, फिर एजुकेशन, सब कुछ करना पड़ेगा। तो हर जन्म में शरीर का कॉस्ट्यूम, शरीर की ड्रेस, शरीर का वस्त्र बदलते जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा कुमारी इसमें ब्रदरहुड, ये फर्स्ट लेसन पक्का कराया जाता है। कहने में हम कहते हैं, तो कहते हैं ना, एक पिता की संतान वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार, पर कैसे वसुधैव कुटुंबकम? तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बताया जाता, सबको आप सोल, एक एनर्जी, एक लाइट, एक सितारा, वो देखिए, ये तो कॉस्ट्यूम है, किसी ने मेल का पहना, किसी ने फीमेल, पर हर आत्मा किसका संतान? परमात्मा। इसलिए कहा वसुधैव कुटुंबकम, आत्मा भाई भाई। मेडिटेशन फिर रिपीट कर रही हूँ।
सितारा मस्तक पर बैठा देखना कि मैं एनर्जी पॉइंट ऑफ लाइट प्रकाश की बिंदी यहाँ बैठी हूँ, ये मैं हूँ। इससे कंसंट्रेशन पावर एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी। स्टूडेंट लोग दवाइयाँ खाते हैं, कंसंट्रेशन बढ़े, मेमोरी बढ़े। कई स्टूडेंट्स से हमने प्रैक्टिस करे, उन्होंने कहा दीदी साल भर अच्छा पढ़ाई की, एग्जाम टाइम आया कंसंट्रेशन खत्म हो गया, मन नहीं लग रहा, उचट गया। तो उनको कहा पढ़ते पढ़ते हर घंटे एक मिनट सोचो, आत्मा यहाँ बैठी है, निकल रही है एनर्जी। तो उन्होंने कहा सचमुच इस प्रैक्टिस से हमारा कंसंट्रेशन ऑफ माइंड एकाग्रता बढ़े। ये 25 साल का अनुभव शेयर कर रहे, थ्योरेटिकल नहीं है। शिविर में हजारों भाई बहनों ने जीवन में होमवर्क करके जो अनुभव किया वो आपके साथ शेयर कर रहे। कहते ना एक्सपेरिमेंटेड दवाई है, आप खाइए। भाई आप डॉक्टर के पास जाएं, आपका पेट दर्द हो रहा है, सिर दुख रहा है, फीवर है, आपको पता है डॉक्टर एक्सपर्ट है, वो जो टेबलेट लिखेगा आप फेथ के साथ ले लेंगे क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटेड है टेबलेट। तो जो शिविर में बातें बताई जा रही है वो एक्सपेरिमेंटेड और टेस्टेड मेडिसिन है। हजारों ने किया, आप भी करिए। तो जीवन यात्रा एक जैसी नहीं चलती है, अप डाउन, लाभ हानि, इसे स्वीकार। दूसरा क्या एक्सेप्ट, जो बीत गया पिछला क्षण पिछला सीन उसको एक्सेप्ट स्वीकार कि यही नियति की नीति थी, फुल स्टॉप लगाना है, सोचना नहीं है। ये सोच सकते हैं जो गीता में कहा ना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी और जो होगा वो भी। तो और अपने आप से पूछिए कि जो बीत गया पिछला सीन पिछला क्षण, क्या वही सीन वही क्षण वैसा का वैसे ही मेरे जीवन में दोबारा लौट कर आना है, बताइए। तो नहीं आना तो फिर उस सीन की रील खोल खोल कर उसको याद कर करके मैं दुखी क्यों हूं। जो बीत गया स्वीकार, यही नियति की नीति थी। कहते ना बनी बनाई बन रही, दोबारा लौट कर नहीं आना, आगे बढ़ो। और तीसरा स्वीकार, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट, जो फैमिली मेंबर्स आपके साथ रहते हैं, जो बिजनेस में या पूरे डे टू डे लाइफ में आपके साथ है, रिश्तों में, उनको स्वीकार एज इट इज एक्सेप्ट करना है। कैसे होगा अब देखिए, एक ज्ञान की बात समझ लीजिए कि विश्व नाटक के अंदर अभी 800 करोड़ से ऊपर पॉपुलेशन है, ठीक है। वर्ल्ड हरेक के पार्ट को देखकर वाई वाई करे, क्यों क्या ऐसा क्या, हरेक के पार्ट को देखकर वाह वाह करे, क्या करना चाहिए, वाह वाह करना चाहिए। अब कल करके देखिएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कोई गुस्सा कर रहा तो भी तो वाह ही वाह, अंदर से समझ लीजिएगा इस समय इस आत्मा को गुस्से का रोल मिला है और मैं महान हूं, मुझे चुप रहने का शांत रहने का रोल मिला है। तो हीरो का पार्ट भी वाह वाह और विलेन का पार्ट भी,
और एक बात, कोई भी व्यक्ति बिना कारण, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है बदले लेने की भावना है, ईर्ष्या, कॉम्पिटिशन, उसके जो भी हमारे साथ वो करना है उसके जिम्मेवार हमारे पूर्व जन्मों के उसके कर्मे अकाउंट है, वो रिटर्न हो रहे हैं हमको। इसलिए शांत मन से स्वीकार कर लीजिए और शांत हो जाइए। समझ रहे? अब इस पे एक सत्य घटना सुनाती हूँ, पूरा महाराष्ट्र की बात। ऐसी शिविर, मैं शक्ति हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, अविनाशी हूँ, अमर हूँ, शरीर की गाड़ी का ड्राइवर हूँ, शरीर मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाना है। मैं प्रकाश की बिंदी, देखते जाइए और स्थान है यहाँ, पॉइंट ऑफ लाइट मस्तक के बीच। अब जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती है कि अच्छे से अच्छे व्यक्ति का मनोबल भी टूट जाता है। तो कभी कभी अच्छे अच्छे मोटिवेशनल सॉन्ग बजाते हैं तो गीतों से भी हमारी विल पावर क्या होती है, बढ़ जाती है। तो एक बहुत मोटिवेशनल सॉन्ग आपके सामने बजेगा, कुछ हमारे युवा भाई आएंगे, आप सब भी खड़े हो जाएं, उनके साथ पार्टिसिपेट करेगा, वो गाइड वाला डांस करेंगे, आप ताली बजाएंगे और गीत की एक एक लाइन फील करिएगा। ताली बजा कर युवाओं का स्वागत करें। एक एक शब्द आप सुनेगा गीत का, जीवन सेना हार जीने वाले, साथ तेरे है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। ठीक है, मुस्कुराते हुए गाना है सबको। एक एक शब्द सुनिए। रिपोर्ट एंड इस न्यूज नवसा।